सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो, 1000 के बहुत करीब हो, खाने के पैसे मिल जाएंगे। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू एडिट वीडियो इन अ मोबाइल, और जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करेंगे वो है पावर डायरेक्टर। वीडियो एडिटिंग जितना मुश्किल दिखता है उतना है नहीं, अगर सीखोगे नहीं तो करोगे कैसे, तो बेसिक था। आई होप ये वीडियो के एंड तक तुम लोग को थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज आएगा। तो चलो चलते हैं मोबाइल पे और सीखते हैं। पर उससे पहले सबसे पहले हम लोग चाहिए होगा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, तो फटफट जाएंगे प्ले स्टोर में और वहाँ से डाउनलोड करेंगे साइबरलिंक पावर डायरेक्टर। मैंने पहले ही कर लिया है। तो स्टेप नंबर 2, पावर डायरेक्टर ऑन करने के बाद हमें दिखेगा कुछ इस तरीके से। तो हमें सबसे पहले करना है क्रिएट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं बेसिक वीडियो एडिटिंग, ठीक है, और 16:9 करेंगे क्योंकि ये स्टैंडर्ड। तो पावर डायरेक्टर ऑन हो चुका है। ये है हमारा टाइमलाइन। अब हमें वीडियो पूरा यहीं पे एडिट करना है। सबसे टॉप में आपको मिल जाएगा वीडियोस और फोटोज़ और म्यूज़िक ऐड करने का ऑप्शन। तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो कोई भी वीडियोस, यहाँ से आप ऐड कर सकते हो कोई भी फ़ोटोज़ आपकी गैलरी में जो भी है वो, और यहाँ से आप ऐड कर सकते हो कोई भी म्यूज़िक ऐड कर सकते हो। अगर बैकग्राउंड म्यूज़िक आपने सेव रखा है तो वो ऐड कर सकते हो, नहीं तो उन्होंने इनबिल्ट ही दिया है बहुत सारे म्यूज़िक्स और सॉन्ग क्लिप्स जो कि आप यूज़ कर सकते हो। अंदर मिल जाएगा बहुत सारा एक ही जैकेट। सबसे पहले ऐड करते हैं एक वीडियो एडिट करने के लिए, क्योंकि एडिट कर रहे हैं, ठीक है। एक वीडियो है मेरे पास, ये वाला मैं ऐड कर देता हूँ। तो वीडियो ऐड करने पर टाइमलाइन में कुछ इस तरीके से अपना वीडियोस दिखेगा, ठीक है। तो अब आता है मेन पार्ट, हमें करना है इसमें से कट पुट और यूजलेस चीज़ें निकालनी है। तो वीडियो एडिट करने के लिए हमें चाहिए एक छोटा सा वीडियो। तो लेट्स क्रिएट, ठीक है। तो अब इस वीडियो के स्टार्ट के थोड़े पार्ट हमें नहीं चाहिए, तो हमें उसे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम पहले वीडियो को सेलेक्ट करेंगे और हमारे लेफ्ट साइड में आ जाएंगे बहुत सारे ऑप्शंस। तो यहाँ पे वीडियो का वॉल्यूम कम करना है, क्रॉप करना है, डुप्लीकेट, कलर एडिटिंग, स्पीड, रोटेट, पैन, जूम, फ्लिप, शार्पनर, स्टेबलाइजर, बहुत सारे ऑप्शन है। हमें चाहिए कट करना है, तो यहाँ पे एक नाइफ दिख रहा है कटर का, तो इसको करेंगे। तो अब हमारा वीडियो 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। तो हमें ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, तो हम इसे सिंपली सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मेरा पोपट हो गया, तो अब मैं ये पोपट वाला पार्ट नहीं चाहिए। लेट्स क्रिएट वन तक रखते हैं। ये वाला पार्ट मैंने डिलीट कर दिया और सिंपल ये वाला पार्ट मैंने दोनों साइड से कट कर दिया और इसको डिलीट कर दिया। हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे भी मेरा बहुत बुरी तरीके से रोबट हुआ है, तो इसको भी सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। आएगा डिलीट करने के लिए हमें चाहिए एक छोटा सा वीडियो। तो तो इस तरीके से हम वीडियो एडिट करते हैं। और ये हमारा वीडियो हो चुका है छोटा सा, और हमने आलतू फालतू बचरा उसमें से डिलीट कर दिया। तो इस तरीके से हम बस ट्रिम करते हैं वीडियो को, हम छोटे छोटे पार्ट में उसे डिवाइड करते हैं। अब वीडियो को एंटरटेनिंग बनाने के लिए, वीडियो को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमें डालना पड़ता है बैकग्राउंड म्यूजिक। तो अब बैकग्राउंड म्यूजिक डालेंगे, तो सिंपल है, फिर से उधर ही जाएंगे ऊपर फोटोज़ और वीडियोज़। तो वीडियोज़ में जाके हम कोई भी छोटा सा बैकग्राउंड म्यूजिक ले लेते हैं जो कि मैंने सेव रखा होगा। तो बैकग्राउंड म्यूजिक सेलेक्ट करने के बाद हमें क्लिक करना है इस प्लस साइन में और वो ऐड हो जाएगा हमारे टाइमलाइन में वीडियो के नीचे। और जहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होता है वहाँ सेलेक्ट करके आपके हिसाब से कर सकते हो, वीडियो कैसे भी, म्यूजिक कैसे भी। म्यूजिक बहुत लाउड है तो इसका आवाज़ स्लो करना है, तो सेलेक्ट करेंगे ऊपर वॉल्यूम, और उसको चाहिए तो स्लो फेड इन फेड आउट थोड़ा सा देखते हैं। उतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा ना, क्योंकि हमें इसमें इफेक्ट्स नहीं डाला, तो हम डालेंगे थोड़े से इफेक्ट्स क्योंकि वीडियो को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना है, राइट। तो जब म्यूजिक चेंज हो रहा है तो यहाँ पे अगर हमें कुछ इफेक्ट्स चाहिए तो हम डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो रहा था तो यहाँ पे एक इफेक्ट डाल देते हैं। आपको जो पार्ट में इफेक्ट डालना है वो पार्ट के ऊपर आके बीटिंग लेट्स सी हाउ इट देखा। और इसी तरीके से हम बाकी के सारे इफेक्ट्स डाल के अपने हिसाब से वीडियो एडिट कर सकते हैं। तो ये था एकदम छोटा सा इफेक्ट्स का ट्रेलर, तो आप आपके हिसाब से वीडियो को एडिट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से वीडियो में थोड़े से इफेक्ट्स डाल सकते हैं, म्यूजिक डाल सकते हैं और वीडियो को ट्रिम कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो हो गया और ऑडियो हो गया। अभी अगर सपोज मुझे कुछ टेक्स्ट डालना है तो वो कैसे डालूंगा? ये लेयर के ऑप्शन में टेक्स्ट है, इसमें बहुत सारे अलग अलग से ऑप्शन है, तो आप कोई भी ऑप्शन आपको देखना है कि उसका प्रीव्यू कैसा है, तो बस वहाँ पे क्लिक करके नीचे के वाले बटन पर क्लिक करो तो आपको उसका प्रीव्यू दिख जाएगा। सपोज मुझे यही लेना है तो मैंने वो लिया, ड्रैग उसमें क्लिक किया +, तो वो आगे मेरे वीडियो पर। और यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट, इसको डिलीट करके कुछ भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ, वाखाम, ठीक है। तो इस तरीके से टेक्स्ट ऐड करना है। अब इसको अगर एडिट करना है तो यहाँ पे ऊपर जो टी है उस पर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा इसके बहुत सारे अलग अलग से ऑप्शन, उसमें आप ढेरों अलग अलग तरीके से कर सकते हो। आप अपना फॉन्ट चेंज कर सकते हो, उसका साइज बढ़ाना है, कम करना है, रोटेट करना है, जो करना है करो। और अगर फॉन्ट साइज, ये बॉर्डर साइज है, शेड्स है, फिल करना है फिल कर दो, ऐसा अजीब सा जो भी है। तो इस तरीके से टेक्स्ट ऐड करना है अलग अलग तरीके से। तो अभी हमने हमारे वीडियो में ऐड कर लिया है वीडियो, टेक्स्ट और एक ऑडियो भी है, बाकी है एक इमेज ऐड करना। तो यहाँ पे छोटा सा नीचे एक इमेज डाल देते हैं, छोटा सा जैसा। तो फिर से जाएंगे लेयर में। अगर हाँ, एक बात का ध्यान रखना, अगर आपको नीचे कोई भी लेयर के नीचे डालना है तो आपको लेयर में जाके इमेज डालना पड़ेगा। तो लेट सेलेक्ट एन इमेज, तो मेरे पास एक फ़ोटो है मेरा, यहाँ पे कहाँ पे मेरे पास मेरा एक फ़ोटो है, मैंने वो डाल दिया, देखते हैं वो कैसा दिख रहा है। तो ये आ गया मेरा फ़ोटो। अब जो इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो बना रहे हो, आप साइड में फ़ोटोज़ क्लिक कर दिखाना चाहते हो तो इस तरीके से फ़ोटो दिखा सकते हो। फ़ोटोज़ में क्लिक करने के बाद उसको भी अलग अलग फ्लिप, उसकी ओपेसिटी, ड्यूरेशन, डुप्लिकेट, फेड इन फेड आउट, इस तरीके से हमारे आ गए टेक्स्ट, इमेज, वीडियो और म्यूजिक, तीनों के तीनों आ गए। और अगर अभी मुझे ये इमेज को मैं कुछ छोटा सा करके इसको मैं साइड में सिग्नेचर लगा दूँ और पूरे वीडियो में इनको साथ दूँ, ये हमेशा एक सिग्नेचर जैसा रहेगा। फ़ोटो एडिट करना है तो वो भी, फ़ोटो को अगर ट्रिम करना है तो वो भी सिंपल है, फ़ोटो को क्लिक करो और जो पार्ट आपको नहीं चाहिए पार्ट को ट्रिम करके डिलीट कर दो, या इसको पकड़ के घसीट दो तो बड़ा हो जाएगा, घसीट के छोटा कर दो तो छोटा हो जाएगा, सिंपल है। अभी तक जितना भी हम लोगों ने सीखा एकदम बेसिक सा वीडियो एडिटिंग है, तो मेरे ख्याल से इतने में भी बहुत कुछ कर सकता है कोई। तो रामदास दो थोड़ा सा एडवांस बढ़ गया। तो सपोज अभी ये मैंने जब इसको ऊपर किया तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे स्लो हो जाए, तो अब क्या करें? सबसे पहले यहाँ पे कट करेंगे, कहीं पे भी कट करेंगे, और जब वो ऊपर से नीचे आ रहा है तब तक इसको ऐसे कट करेंगे। अब ये वाले कुछ, अब जो पार्ट को हमें स्लो करना है उस पार्ट को क्लिक करके यहाँ पे इसका थोड़ा सा स्पीड स्लो कर देंगे, इजी इज आउट। और आप देखते हैं और अभी सपोज मुझे ये वाला पार्ट एकदम फटफट कंप्लीट करके रखना है क्योंकि अभी ये कुछ 8 सेकेंड ले रहा है, तो मैं सिंपल वैसे ही जाके इसका स्पीड कम करने के बजाय स्पीड बढ़ा दूंगा, इस आउट कर देता हूँ। अब एक्स्ट्रा आ गया तो इसको कम कर देंगे और म्यूजिक को काट देंगे। तो इस तरीके से हम करते हैं सिंपल सी वीडियो एडिटिंग। हाँ, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि अब ये एक टेक्स्ट है तो आप इस टेक्स्ट के नीचे एक और टेक्स्ट लगा सकते हो, और आपको एक और टेक्स्ट लगाना है तो आप एक और टेक्स्ट लगा दो, यहाँ पे कुछ और लिखना है और लिख दो, डबल टैप कर दो, सब्सक्राइब, ठीक है। और फिर से अगर उसका आपको कुछ भी चेंज करना है तो उस तरीके से चेंज कर दो। तो यहाँ तक तो एकदम सिंपल सा एडिटिंग था। तो बस इस तरीके से काटपट करके आप अपना वीडियो बना सकते हो, पर अब थोड़ी बहुत अलग अलग चीज़ जैसे कि यू वांट टू क्रिएट डुप्लीकेट वीडियोज, तो अब दूसरी चीज़ जैसे कि आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, यहाँ पे आप क्लिक करके एक एक चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हो। वॉल्यूम का मतलब अगर कोई वीडियो का आपको वॉल्यूम नहीं चाहिए, आप बैकग्राउंड में म्यूजिक देना चाहते हो या बैकग्राउंड में आप खुद कुछ बोलना चाहते हो, तो आप यहाँ पे जाके वॉल्यूम में उसको या तो कम ज़्यादा म्यूट फेड इन फेड आउट जो भी है वो कर, इस वीडियो को डुप्लीकेट करना सिखाता हूँ। तो अभी ये पार्ट को मुझे अलग अलग तरीके से एडिट करना है, तो इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ, क्रॉप में जाते हैं, आप जाते हैं क्रॉप में, बाबा ठीक है क्रॉप में। अब क्रॉप में जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें वीडियो में जूम इन करने का ऑप्शन मिलता है। सपोज यू वांट टू नॉट शो सम, तो सपोज कि आप कुछ वीडियो निकाल रहे हो और साइड में कुछ ऐसा लकड़ी वकड़ी आ गया जो आप नहीं चाहते हो वीडियो में आए, तो आप इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। और एक और अच्छा फंक्शन है वो है पैन ऑन जूम। पैन ऑन जूम में जाके कस्टम मोशन, ठीक है। तो अगर स्टार्ट में मैं चाहता हूँ ये इसके अंदर रहे और एंड में मैं चाहता हूँ बाहर आ जाए, तो pan and zoom. Similarly, you can also do this flip. Flip में मतलब मैं पहले लेफ्ट साइड में दिख रहा था, अब मैं राइट साइड में दिख रहा हूँ। रिवर्स करेंगे तो एकदम बढ़िया चीज़ है, 1 सेकंड में दिखता है। ठीक है, तो अब हमारा वीडियो हो चुका होगा रिवर्स। तो लेट्स सी दिस। समझ तो कह रहे हैं, अगर वीडियो के स्टार्टिंग में वीडियो इफेक्ट दिखा था, पानी पी रहा था, वो वाला। वीडियो को रोटेट करना है तो ये वाला फंक्शन रोटेट 90 डिग्री, तो जितना रोटेट करना है 180, ये वो उस तरीके से आप रोटेट कर सकते हो। कलर करेक्शन करना है तो यहाँ पे जा सकते हो और इसको अलग अलग इफेक्ट कलर, जैसे कि अलग मस्त दिख रहा है, ये नहीं कलर थोड़ा देख रहा मैं गायब रहता हूँ। तो कलर करेक्शन में जाके आप अपने वीडियोस को और भी बेहतर बना सकते हो। और अगर आपको ये सब नहीं चाहिए, आप खुद से सेटिंग करना चाहते हो, तो यू कैन डू राइट ओवर हियर। ब्राइटनेस कम ज़्यादा, कॉन्ट्रास्ट कम ज़्यादा, सैचुरेशन, यू कलर ही बदल दिया, बहुत ही अच्छा फंक्शन है, ठीक है। कलर, टेम्परेचर, टेंट, जो भी है वो यू कैन डू इट फ्रॉम हियर। कुछ भी नहीं करना है तो अंडू। एक और चीज़, अभी आपको अगर कोई भी फंक्शन निकालना है तो आपको उस फंक्शन के ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक एक्स का रिमार्क आ जाता है, तो यहाँ पे जाके इसको फंक्शन निकाल जाएगा। अगर अंडू करना है तो ये वाला बटन अंडू के लिए। तो हर वीडियो के बीच में आपको मिलेगा ट्रांजिशन का ऑप्शन। तो ट्रांजिशन का ऑप्शन तो समझ गए होंगे, जैसे कि ये भी एक ट्रांजिशन था। तो बस यहाँ पे क्लिक करना है एंड यू विल गेट ऑल दिस डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांजिशन जो कि आप अपने वीडियोस में ऐड कर सकते हो और उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हो। प्री इनबिल्ट बहुत सारे स्टिकर्स भी है, तो यहाँ पे अब ये सपोज ये एरोगेंट वाला डाल देता हूँ, ये ऊपर आ गया एरोगेंट वाला। तो सपोज आपके एक मेन म्यूज़िक है और आपको उस म्यूज़िक के नीचे अलग अलग साउंड इफेक्ट्स भी डालना है, तो यू कैन ऑल्सो डू दैट, तो वो भी कर सकते हैं। छोटा सा बस एक साउंड इफेक्ट डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जिस तरीके से टेक्स्ट के नीचे टेक्स्ट आ गया, उसी तरीके से म्यूज़िक के नीचे म्यूज़िक आ गया। एंड या बी ग्रेट। अब करना है उसे एक्सपोर्ट, तो लास्ट में जो करना होता है वो है यहाँ पे। अगर हाँ बीच में सेव करके जाना चाहते हो तो यू डोंट हैव टू सेव, ताकि उसको सेव करने की ज़रूरत नहीं है, बस बैक का जाओ तो अपने आप सेव हो जाता है वहाँ पे। तो हाँ यहाँ पे जाएंगे तो वापस एडिट प्रोजेक्ट। तो वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए यू हैव टू गो अप, प्रोड्यूस वीडियो और सेव टू गैलरी। यहाँ अगर आपने स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट का नाम नहीं दिया तो आप अभी प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हो। इसमें जाएंगे तो यहाँ पे फ्रेम रेट है 30, बेटर क्वालिटी। यहाँ से आप ये सब कुछ चेंज कर सकते हो, फ्रेम रेट को चेंज कर सकते हो और स्टोरेज कहाँ पे करना है वो भी कर सकते हो, ठीक है। इतना सब होने के बाद बस प्रोड्यूस वीडियो और वेट करो। केस कुछ समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट डाउन बिलो, मैं वहाँ पे आंसर कर दूंगा। और अगर काइन मास्टर के ऊपर वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कर देना, मैं उसके पे भी वीडियो बना दूँगा। होपफुली थोड़ा बहुत वीडियो एडिटिंग समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट कर दो, मैं इसका एक एक अलग अलग पार्ट में भी बना सकता हूँ इफ़ यू वॉन्ट टू। और अगर नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट कर देना, मैं कमेंट में आपका रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।